सुने चोरी चोरी जब नजरें मिली, मेरा गीत है चुरा लो ना दिल मेरा सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे तेरे बिन न मर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। और देखो, आज ना सुबह सुबह आपको घर का हालत, एकदम घर की हालत ख़राब दिखेगी। सोफे पे ऐसे शॉल वगैरह पड़ी है, कवर पूरे बाहर निकल कर आ गए हैं, क्योंकि दिन निकल गया लेकिन हमारे आँखों से नींद नहीं निकली। हम लोग इतने थके हुए और बीमार हैं ना कि हम लोगों को बेड पर से उठ के हम लोग सोफे पर आकर सो गए। एक्चुअली आज शाम में पीयूष का एनुअल डे है और रोज़ सुबह एनुअल डे की वजह से जल्दी उठकर स्कूल जाना, डांस की प्रैक्टिस करना, धूल मिट्टी, मौसम में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, बारिश हो रही है, ठंडी हो रही है, इस वजह से ना हमारा सर, हमें जो है ना सर दर्द हो रहा है, सरद गर्म हो रहा है, तबीयत ख़राब हो गई है। पीयूष की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन अब क्या करें, क्योंकि आज शाम में पीयूष का एनुअल डे है, तो अगर उसकी तबीयत अच्छी नहीं हुई तो वो कैसे डांस परफॉर्मेंस करेगा। और बस यही सोच कर आज हम लोग सुबह सुबह जल्दी जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि आज संडे है तो डॉक्टर भी हाफ डे पे आते हैं। इसीलिए हमने घर का सारा काम ऐसे ही छोड़ दिया और अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे भी चेकअप करवाना है और पीयूष को भी चेकअप कराना है। अभी जैसे वैसे हॉस्पिटल का नाम लेके मम्मी घर पे आई थी और देखो अब हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, यानी एक हॉस्पिटल से निकलते ही दूसरे हॉस्पिटल के दर्शन करने हमें यहाँ पे आना पड़ रहा है। और यहीं पे तो मम्मी के ऑपरेशन की तैयारी भी हो रही थी, अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो। जब भी मम्मी बीमार होती है ना, मम्मी के डॉक्टर से मैं हमेशा बात करती हूँ कि कौन सी दवाई देनी है, क्या ट्रीटमेंट है, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ आती है, ताकि मुझे कौन सी दवाइयाँ देनी है, क्या करना है, वो सब कुछ मम्मी ही डॉक्टर से बात करती है। और अंदर हम लोगों ने नाम वगैरह तो लिखवा दिया, लेकिन आप लोग भीड़ तो देख ही सकते हो, पीछे भी मेरे इतने सारी गाड़ियाँ लगी हुई आपको दिख रही होगी, बाहर भी इतने सारे चप्पल है और अंदर इतने सारे पेशेंट्स बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को लगा कि चलो हम लोग थोड़ा बाहर ना धूप सेक ले। One hour later. आज हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा रश है कि ये रश में हमारा नंबर आते आते हमें एक घंटा हो गया, और फिर एक घंटे के बाद जाके हमारा नंबर आया और फिर मुझे और पीयूष को दोनों को भी चेकअप करके हमने दवाइयाँ ले ली और अब हम जा रहे हैं घर। 2000 years later. ना शाम के 5 बजने वाले और हम लोग जा रहे हैं पीयूष के एनुअल डे पे। सुबह इतनी तबीयत खराब थी तो हम लोग कैसे होगा, पर दवाई ली हम लोगों ने आराम से, कभी अच्छा लग रहा है। देखो ये साथ में है इनविटेशन कार्ड, क्योंकि इस बार ना इनविटेशन कार्ड के बिना एंट्री अलाउड ही नहीं है, तो सबसे पहले ध्यान रख के हमने ये लिया। और अभी पीयूष को छोड़ना है पहले, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर वो लेट जा रहा है, नहीं तो ऐसे तो उसको 4 बजे की रिपोर्टिंग थी, तो अभी वो हमारे साथ जा रहा है, फिर वहाँ पर उसका कॉस्ट्यूम जो है वो लेके उसको तैयार भी करना है। और मैं भी, हम इतने जल्दी जल्दी तैयार हुए ना, वरना एक हफ्ते से हम लोग सोच रहे थे ये तैयारी करेंगे, ऐसे करेंगे। अच्छा अभी हम लोग नीचे जाते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं पीयूष के स्कूल में, क्योंकि आज पीयूष के स्कूल में एक सिंगर आने वाले हैं, तो कौन है मैं आपको वहाँ जाके बताती हूँ। तो हम पहुंच गए पीयूष के स्कूल, और पीयूष के स्कूल के बाहर ही ना यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक है, और देखो हमारे आते ही यहाँ से रेलवे जा रही है, और यहाँ पे सभी बच्चों के अंदर जो है एनुअल डे की तैयारी चल रही है। पीयूष के स्कूल में जब भी मैं आती हूँ ना, मुझे मेरे स्कूल्स की बहुत ज़्यादा याद आती है कि हम लोगों का किस तरह से एनुअल डे की तैयारी चलती थी। खैर अभी पीयूष की तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा लेट आया था, तो उसको यूनिफॉर्म जो है उसका नहीं मिला था, उसका ड्रेस का कॉस्ट्यूम उसको नहीं मिला था, तो हम क्लास में आए हैं, मम्मी भी आई है साथ में, ताकि मम्मी पीयूष को जल्दी से रेडी कर सके। और यहाँ पे पीयूष के क्लास टीचर जो है वो यहाँ पे आए हैं, तो वो जो है पीयूष को ड्रेस दे रहे हैं। पीयूष का जो डांस है ना वो आर्मी के ऊपर है, तो उसका कॉस्ट्यूम भी उसी तरह है, और मम्मी यहाँ पे उसको तैयारी कर रही थी। A few moments later. तो मम्मी को जैसे ही पता चला ना, मम्मी पीयूष को तैयार कर रही थी, तो प्रॉब्लम ये आ गई कि पीयूष की ना कमर बहुत छोटी हो गई, उसको जो है ना पैंट ही फिट नहीं आ रही थी, वो इतना दुबला है कि उसको पैंट, एक भी पैंट फिट नहीं आ रही थी, और इसीलिए उसको ना बेल्ट की ज़रूरत है, तो उसको एक वेस्ट का बेल्ट और कुछ सेफ्टी पिन्स लाने, जिसके लिए मैं गई हूँ। और देखो यहाँ पे ना काफ़ी एक दुकान के बाद दूसरी दुकान, दूसरी दुकान के बाद तीसरी दुकान ढूंढने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे बेल्ट और कुछ सेफ्टी पिन्स मिल गए, और अब मैं वापस जा रही हूँ स्कूल में। तो पता नहीं कितना लेट हो गया, क्योंकि अगर
अगर हम लोगों को लेट हो गया तो फिर हमें आगे बैठने नहीं मिलेगा। और आज पीयूष के स्कूल में जाने का मेरा तो स्पेशल मोटिव ये है कि आज पीयूष के स्कूल में आने एक बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, तो मुझे ना उनको मिलना है, उनके साथ फ़ोटोज़ खींचना है, ये मेरा मोटिव है। और देखो हम लोग स्कूल में आ गए और पीयूष एकदम रेडी हो गया, दिख रहा है ना पूरा आर्मी की तरह एकदम रेडी है वो उसके एनुअल डे के लिए। A few moments later. पीयूष को तैयार करने के चक्कर में हमारी आगे की सीट तो जाने ही वाली थी, बहुत मुश्किल से हमें जाके यहाँ पे एक सीट मिली। और मुझे लगा कि ये देखो मैंने तो एंट्री मिस कर दी हमारे चीफ गेस्ट की, तो अब हमारे चीफ गेस्ट कौन है वो मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ आगे जाके इस वीडियो में। तब तक देखो यहाँ पे फंक्शन की तैयारी हो रही है और डांस भी शुरू हो गया। Because as the good old proverb goes, father is the first inspiration for any daughter. स्त्री ममता का स्वरूप होती है। तो देखो इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी तरह और भी कई माताएं हैं। तो इन्हें देख रहे हो आप, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस के बाद अब इन्हें बुलाया गया है स्टेज पे और ये है आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, जिनके लिए मैं सुबह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये है बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर, वेटरन सिंगर संजीवनी बेलेंडे, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म्स में बहुत सारे पुराने गाने गाए हैं और आज वो पीयूष के स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट आए हैं। आई एम सो ग्लैड कि मैं उनसे मिल पा रही हूँ, उनका लाइव शो यहाँ पे देख रही हूँ जिसमें वो लाइव सिंगिंग करेंगे। तो चलो आप लोगों को भी सुनवाती हूँ उनके कुछ प्यारे प्यारे से गाने जो उन्होंने स्टेज पे गाए थे। लड़की ये जान जाए कि हम तो आत्मन हैं, हम शरीर नहीं हैं, तो कहीं भी महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, क्योंकि हम हमारी कला के लिए, हमारे इंटेलिजेंस, हमारे टैलेंट के लिए जाने जाएंगे। दैट इज़ व्हाई मीरा इज़ सो इम्पोर्टेंट। सो मीरा कहती है, जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू रे, तो सुप्रीत तोड़ पिया कौन संग जोड़ू रे, यू ब्रेक हार्ट आई विल नॉट, इफ आई वर टू ब्रेक ऑफ आईड नेवर टाई द नॉट, आईड नेवर टाई द नॉट, इफ यू वर अ ट्री आई बी। मेरे गाय में फिल्मी गीत तो भी आपने सुने, चोरी चोरी जब नजरें मिली, मेरा गीत है चुरा लो ना दिल मेरा सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे, चुरा लो ना दिल मेरा
सनम। और ओ यारा रब रुस जाने दे, दीवाना जग छुट जाने दे, अब साथियों नई मंजिल नया रास्ता है तुम्हारा हमारा। ओ यारा रब रुस जाने दे, हाय दीवाना जग, दीवाना जग छुट जाने दे। ये सोचा था हम गीत है निकम्मा किया तो है ही जिस पर अभी डांस किया। यादों में खोया रहता है, बातों में डूबा रहता है, मुश्किलें पैदा करता है, बड़ा बदनाम करता है। निकम्मा किया इस दिल ने किया है निकम्मा। और आखिर में चूंकि परसों ही 26 जनवरी थी, रिपब्लिक डे था, और मेरा जन्मदिन भी होता है 26 जनवरी को, आई एम बोर्न ऑन प्रजासत्ताक दिवस, तो वंदे मातरम गाना चाहती हूँ, उसे गाकर समाप्त करती हूँ। आणि हर मराठी गाणं म्हणायचं आहे का, म्हणायचं होतं अच्छा इन इयरमध्ये फक्त व्हॉइस देणार ट्रॅक नका देऊ। आणि हा खूप जास्त तुम्ही रिवर जो म्हटलाय तो थोडासा व्हॉइसपेक्षा ट्रॅकची लेवल कमी ठेवा, मला ओरडायला लागते काय गाऊ शारद सुंदर वाढत। चैन इंटरनॅशनल स्कूल कोविड बहुत सी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, माझ्या शुभेच्छा। जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सच मेलोडिक सिंगिंग। सो व्हाट डू यू से? वाओ, कितना सुंदर गाया मैम ने। और अब बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि जल्दी से मैं उनसे मिलूं और उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करूं। पर पता नहीं मेरा ये सपना पूरा भी होगा या नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम के बाद देखो इमीजिएटली पीयूष का डांस आ गया। और जब मैं ऑडियंस के साथ साथ गेस्ट की तरफ देख रही थी तो उनकी हरकतों से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद इस गाने के बाद मैम चले जाएंगे। तो अब मैं बीच प्रोग्राम में तो उनसे फ़ोटो खींचने नहीं जा सकती ना, और अब पता नहीं कि मैं उनसे मिल भी पाऊँगी या नहीं और उनके साथ फ़ोटो भी खींच पाऊंगी या नहीं। लेकिन सामने जो है अब पीयूष का परफॉर्मेंस था, तो पहले पीयूष के परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं, फिर उनके साथ फोटो खींचने के लिए कोशिश करते हैं। A few moments later, पीयूष का डांस होते ही मैम उनकी जगह से उठ गए पर्स लेके, और मैं समझ गई कि अब ये जा रहे हैं घर पर। तो चलो भागते हैं और जल्दी से उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। मैम, फेस द लाइट, ये साइड से आ जाओ, इधर आओ, सेल्फी लेना है, फोटो लेना है, वीडियो निकाल सकती हूँ मैम। मैं छोटा सा, मेरा यूट्यूब का व्लॉग है, और आपका सॉन्ग मैंने अभी देखा, बहुत प्यारा है और आप बहुत फैटी भी दिख रहे हो। मैम हेलो बोल दीजिए ना एक बार, जैसे मैंने सलून Hi Saloni, I wish you all
आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली और मैंने उनके साथ फोटोज तो बहुत सारे खिंचवाए, साथ ही व्लॉग भी क्लिक कर लिया। और यहीं पर देखो कितना अच्छा नसीब था, पीयूष भी इमीडिएटली चेंज करके आया और जैसे ही मैंने पीयूष को देखा तो मैंने पीयूष और मम्मी का भी फोटो उनके साथ क्लिक कर लिया। तो मैं बहुत खुश हुई कि आज के दिन मेरी जो इच्छा थी वो पूरी होगी। और सुबह से मैं जो उनके साथ फोटोज खींचने की कोशिश कर रही थी ना, फोटोज खींचने के बारे में सोच रही थी, वो सोच भी मेरी पूरी हुई। और यहाँ तो वो ऐसे ही रहने वाले नहीं, जो भी औरंगाबाद के स्कूल के लोग होंगे उनको बिना फोटो क्लिक करवाए तो नहीं जाएंगे, बट हम लोग क्यों पीछे रहे, फोटो के साथ साथ हमने उनका ऑटोग्राफ भी लिया और मैम ने हमें उनका ऑटोग्राफ भी दिया। और देखो अब वो बैठ रहे हैं गाड़ी में, और जब तक वो गाड़ी में बैठे नहीं ना तब तक लास्ट मोमेंट तक हर एक इंसान उनके पास फोटो क्लिक करने गया और उन्होंने भी बहुत ही प्लेजेंट स्माइल के साथ सभी को अपने फोटोग्राफ्स दिए। मैम तो अब चले गए और अब हम लोग भी वहाँ से निकल गए फंक्शन के बाद, क्योंकि पीयूष की तबीयत बहुत ख़राब थी तो हम ज़्यादा देर तक वहाँ वेट नहीं करना चाहते थे। अब हम सोच रहे थे कि कहाँ घर जाएंगे, कब खाना बनाएंगे, तो क्यों ना होटल में ही डिनर कर लिया जाए और आज का दिन एकदम खुशीनुमा दिन बन जाए। और वैसे भी मैंने जब से मेरी स्टाइफंड आई है अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की डिनर पार्टी अपनी फैमिली को मैं अपनी तरफ से दूंगी, पीयूष के डांस की खुशी में और संजीवनी मैम के साथ फ़ोटो करने की खुशी में। और साथ ही साथ जब से मैंने अपना स्टाइफंड अर्न किया है अपनी फैमिली को कुछ नहीं दिया है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि अपनी पूरी फैमिली का डिनर मैं करवाऊंगी। और इसीलिए मैं लेके आई उन लोगों को रेस्टोरेंट में ताकि आज मम्मी को भी आराम मिल जाए, वरना कहाँ मम्मी रात में जाती है और रात का खाना बनाती है, वैसे भी बहुत लेट हो गया था। तो बस हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमने हमारा ऑर्डर दिया है और ऑर्डर के साथ साथ थोड़ा सा स्टार्टर भी हो जाए, क्या कहते हो, स्टार्टर ना सही, हम लोगों ने यहाँ पे मंचाहा सूप ऑर्डर किया। और जैसे आप लोगों ने तारक मेहता में देखा होगा ना, वो बोलते हैं मंचाहा नहीं मंचाहा सूप, तो वही मेरे भी मुँह से निकल रहा है। तो ये हमारा ये मंचाहा सूप जो है ना वो एकदम आ गया और सभी लोगों ने हमने यहाँ पे एंजॉय किया मंचाहा सूप। सूप ख़त्म ही नहीं हुआ कि हमारा डिनर की थाली एकदम से लग गई और हम लोगों ने ना ज़्यादा कुछ डिनर नहीं ऑर्डर किया, बस दाल सब्ज़ी तंदूर और चावल यही ऑर्डर किया था, क्योंकि हमारी सबकी तबीयत जो है वो ख़राब थी, मेरी और पीयूष की स्पेशली, तो हम लोगों को दवाई भी लेनी थी और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए भी थे, तो इसीलिए हम लोगों ने बाहर का खाना खाया। और मेरी फैमिली को मैंने मेरी तरफ से फ़र्स्ट टाइम इस तरह से पार्टी भी दी। तो बस हम लोगों ने खाना खा लिया और अब हम लोग जा रहे हैं घर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं और हम लोग तो भूल गए, लेकिन मम्मी कहाँ भूलेगी, मम्मी ने हमें जाते से ही याद दिला दिया कि अब घर जाके तुमको दवाई लेनी है। और तभी मेरा मूड एकदम से ऑफ हो गया, फिर खाना खाने के बाद अब उसका खाने का इतना अच्छा टेस्ट है वो दवाई की कड़वी टेस्ट में बदल जाएगा, लेकिन क्या करें, अगर अच्छा होना है तो जल्दी जल्दी दवाई भी लेनी पड़ेगी। कल वैसे तो पीयूष को छुट्टी है लेकिन मेरा तो ऑफिस है, इसीलिए मुझे अब घर जाके जल्दी से सोना है ताकि कल ऑफिस में जा सकूं। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूं, मिलती हूं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल।